नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं फरवरी 2022 में कौन से वो तीन ग्रह हैं या तीन से अधिक ग्रह हैं जो आपके जीवन में कन्या राशि वालों के जीवन में खुशियां और सुख और समृद्धि और देश विदेश की सफलता लेकर आएंगे। ग्रह ही हमें बनाते हैं, ग्रह ही हमें बिगाड़ते हैं, ग्रह ही देते हैं, ग्रह ही छीन लेते हैं और वक्त ही अच्छा होता है, वक्त ही बुरा होता है। वक्त तभी अच्छा होगा जब ग्रह अच्छे होंगे, जब ग्रह अच्छे होंगे तो वक्त अच्छा होगा। कहते हैं ना कि छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटना तो तरबूज नहीं है। तो वक्त अच्छा हो या ग्रह अच्छे हों या वक्त अच्छे हों, फल तो आप ही को मिलना है, अच्छा हो या बुरा हो। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के जीवन में फरवरी 2022 में क्या परिणाम उनको मिलने वाले हैं इन तीन ग्रहों की आशीर्वाद से। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं वीडियो का। आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है फरवरी 2022 में, तो ढेरों शुभकामनाएं। ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को देखिए। यहाँ पर देखिए केतु जो है वो बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में। तो आपको पहला चमत्कार दिखाएंगे केतु। केतु का आशीर्वाद आपको प्रसिद्धि दिलवाएगा, एक प्रसिद्ध इंसान बनाएगा, जहाँ पर आपकी हर जगह पर जान पहचान होगी, सफलता मिलेगी। आप ईश्वर में विश्वास रखेंगे, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी, आपकी यात्राएं लाभकारी होंगी, आपको खूब लाभ मिलने वाला है यहाँ पर केतु की कृपा से। आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में जो तकलीफें आ रही हैं उन तकलीफों को खत्म करने की उनको रास्ते दिखाई पड़ जाएंगे। आप हिम्मती और पराक्रमी होंगे, केसर का टीका माथे पर लगाते रहिए और लाभ प्राप्त करते रहिए, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको इस वक्त को और बेहतर करने के उपाय भी बता रहा हूँ। और जिन लोगों का केतु उनकी जन्म कुंडली में भी तृतीय भाव में बैठा हुआ है, गोचर में तो है ही, तो वो लोग केसर का टीका माथे पर अवश्य अवश्य ही लगाए। धर्म से आप बिल्कुल जुड़े रहें, धर्म को माने, धर्म का पालन करें, अधर्मी बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो दिक्कतें बहुत आएंगी। और जितना आप धर्म से जुड़ेंगे उतना आपको लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, भाग्यशाली संतान आपके घर में जन्म लेगी। और बस आपको इतना ख्याल रखना है कि बेकार की यात्राएं नहीं करनी है, बेकार की बातें नहीं करनी है, जो काम बैठे बिठाए हो सकता है उसके लिए बेफालतू में इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी है। आपका जीवन जो है वो शाही जीवन होगा, राजा महाराजाओं वाला जीवन होगा, भविष्य भी बढ़िया होगा। आगे आप अच्छे काम करेंगे आज तो कल का भविष्य भी सुधरेगा और बुलंद होगा आपका सितारा। और कर्जों से आपको अतिशीघ्र मुक्ति मिल जाएगी, कोई कर्ज वगैरह है, कोई परेशानियों से मुक्ति मिलने का समय है। आपकी कलम जो है, अगर कुछ आप लिखते हैं तो आपकी कलम की जो ताकत है वो तलवार से कहीं ज़्यादा घातक होगी, तो बहुत अच्छा है केतु का आशीर्वाद। दूसरा, फिर से आप कुंडली को देखिए, दूसरा शुभ चमत्कार जो दे रहे हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव प्रेम सौंदर्य के कारक ग्रह हैं और आराम और विलासिता आपको यहाँ पर दे देंगे जब ये चौथे घर में बैठेंगे। तो आपके जीवन में आराम होगा, सुख होगा और आप सुख सुविधाएं बिताने वाले इंसान होंगे और सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती चली जाएंगी। जीवन का हर पल आप मौज मस्ती में बिताएंगे। कुंवारे हैं तो शादी के योग बन जाएंगे, शादी हो चुकी है तो वहां पर प्रेम और बढ़िया होगा, और अगर दूसरी शादी की तैयारी में है तो वहां पर भी सफलता मिल जाएगी, प्रेम विवाह भी संभव है। आप अपने जीवन में हर पल का आनंद उठाएंगे, बढ़िया बढ़िया लुफ्त उठाएंगे जीवन का, किसी भी प्रकार से आपको दुख तकलीफें नहीं आएंगी। विपरीत लिंग के प्रति आपको आकर्षण बढ़ेगा, भौतिक सुख राशिक सुखों में वृद्धि होगी, सुख सुविधाएं का सेवन आप बिल्कुल सही तरीके से कर पाएंगे, अपने चरित्र को बिल्कुल साफ सुथरा रखने की कोशिश रखिएगा। आपके चाहने वाले जो हैं, जिन जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे जुड़े हैं, उनसे विश्वासघात मत करिएगा, उनको धोखा मत दीजिएगा। आप आनंद में जीवन बिताएंगे जिसमें हर प्रकार का सुख और सुविधाएं होंगी, नौकरी का सुख, व्यापार का सुख, अच्छी आमदनी का सुख, अच्छे कपड़ों का सुख, अच्छा सोने का सुख, अच्छा खाने का सुख, अच्छे बच्चों का सुख, संतान का सुख, शादी का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, प्रेमी का सुख, प्रेमिका का सुख, पास पड़ोस का सुख, बॉस का सुख, सभी प्रकार के सुख होंगे। आप जो दही होती है अपनी जेब को देखते हुए किसी धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं, इससे आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और
बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। शुक्र धन दौलत भी देंगे, व्यवसायिक उन्नति भी देंगे और नौकरी में पदोन्नति भी देंगे, नई नौकरी का रास्ता भी खोल देंगे। आप उच्च शिक्षा से भी बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो भी लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हैं आपका बेहतर वक्त है, इसका बेहतर तरीके से लाभ उठाइएगा। तीसरा आशीर्वाद आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सूर्य की कृपा से। पंचम भाव में देखिए गोचर कुंडली में सूर्य होंगे तो आप के काम की तारीफ होगी, जो भी आप काम करते हैं, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, आपके काम की तारीफ होगी। आपके बॉस आपके साथ बढ़िया संबंध रखेंगे, आपके इरादे जो हैं मजबूत होंगे, आपके बॉस आपके इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे, यानी आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। आपका जो भी नाम हो आपके बॉस बार बार आपको दिन भर याद करेंगे, देखो ये बहुत अच्छा काम करता है, इसने बहुत अच्छा काम किया, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि आपकी तारीफ होने वाली है। आपके अंदर शानदार आत्मविश्वास होगा, आप अपने करियर को लेकर चिंतित होंगे, आप अपने करियर को बनाने वाले इंसान होंगे, आपके बच्चों का करियर बहुत शानदार होगा, आप अपने बच्चों के करियर को लेकर प्रयास करेंगे जिसमें आपको अतिशीघ्र सफलता प्राप्त मिलेगी, आपके बच्चे आपको सुख देंगे। आप नौकरी व्यापार में शानदार आपकी स्थिति होने वाली है, संतान का सुख मिलने वाला है, शिक्षा का सुख मिलने वाला है, कार्य क्षेत्र में आप बढ़िया अवसर प्राप्त करेंगे। नौकरी व्यापार में आप अपनी संतान की तरक्की से खुश हो जाएंगे। आपको अपने पेट का ध्यान रखना है, कुछ गड़बड़ चीजें नहीं खानी है या कोई रोग है तो उसका तुरंत उपचार कराना है। आप अपने सभी वादों को पूरा करिएगा, जो भी आपने वादे किसी के भी साथ किए, धन दौलत प्रसन्नता आपको मिलती चली जाएगी, लगातार आपको सफलताएं मिलेंगी और आप इस समय में एक बढ़िया काम कर सकते हैं, दो लोग वो बढ़िया काम करें। ये जो गोचर है ये 15 दिनों का आपको इसका लाभ मिलेगा, जब सूर्य पंचम भाव में होंगे तो आप इस समय में एक लाल बंदर वाला जो स्टैचू या बच्चों का खिलौना होता है वो अपने घर में ला के रख लें, और जिनका पंचम भाव में सूर्य ऑलरेडी है, पहले से है जन्म कुंडली में, वो लोग भी अपने घर में एक छोटा सा लाल मुंह वाला बंदर का खिलौना ले आए। अगर खिलौना नहीं मिलता है तो कोई सीनरी हो, कोई फोटो हो या प्रिंट आउट निकाल के लगा लें लाल मुंह वाले बंदर का, तो आपको बहुत लाभ होगा। ये छोटी सी रेमेडी आपका जीवन बदल देगी और बहुत कुछ बढ़िया होता चला जाएगा, बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाले। सूर्य आपको पदोन्नति भी दे देंगे, सुख भी दे देंगे। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा सावधानी जरूर रखें, जुबान में तकरार नहीं हो, जुबान में गर्माहट नहीं हो, गर्माहट का मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए, सोच समझ के बोलिएगा। अब आपको एक चौथा जो आशीर्वाद मिल रहा है वो एडिशनल है, यानी कि सोने पे सुहागा, वो है राहु जो देने वाले हैं। राहु नवम भाव में होंगे, आपके भाग्य को चमका देंगे। नवम भाव में बैठने का राहु का मतलब है कि सही वक्त पर सभी सही चीजों का प्राप्त होना, मेहनत करी रिजल्ट मिल गया, किसी भी चीज में विलंब ना हो, तो ये आपके लिए बेहतर होने वाला है। आपकी किस्मत की जो बुराइयां हैं वो हट जाएंगी। राहु देश में ही नहीं विदेश में आपके नाम का डंका बजाएंगे, लाभ कमवाएंगे, आप धार्मिक बने रहेंगे। जो भी लोग शनि से संबंधित काम करते हैं, राहु से संबंधित काम करते हैं, उनको बेहतरीन मुनाफा इस समय में होगा और ठगी करना और बेईमानी करना आपको नुकसान दे जाएगा। और गर्भवती महिलाएं थोड़ा सावधानी रखें, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, धर्म से बिल्कुल जुड़े रहें, केसर का टीका माथे पर लगाएं और विदेश में आपको जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, विदेश में आपकी बड़ी तरक्की होने के योग हैं। नौकरी व्यापार में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, जहां पे चीजें अटक रही थी, फंस रही थी, अब वो राहु की कृपा से बनती चली जाएंगी और जो विलंब था वो समाप्त होकर सही वक्त पर सही चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। बहुत ही बढ़िया है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और जिनका भी राहु जन्म कुंडली में नवम भाव में है वो धार्मिक बने रहे, मंदिर धर्म स्थान पे मत्था टेके और माथे पर केसर का टीका जरूर लगाते रहें, और साथ ही साथ जो भी शनि से संबंधित काम करते होंगे उनका डबल मुनाफा होना निश्चित है, तय है। तो आपको चार ग्रहों का आशीर्वाद मिला, इन चार ग्रहों के आशीर्वाद से आपका फरवरी जो है वो शानदार बन जाएगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, खुश रहिए, आनंद रहिए, मुस्कुराते रहिए। चारों ग्रहों का क्या प्रभाव होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, चारों ग्रहों के उपाय क्या है वो भी मैंने बीच बीच में बता दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये उपाय वो लोग भी करें जिनका गोचर में इस समय में ये स्थिति है, और वो लोग तो जरूर कर लें जिनकी जन्म कुंडली में भी ये स्थिति है, तो उनके लिए तो ट्रिपल फायदा हो जाएगा। तो आनंद में फरवरी माह को बिताएं आप लोग, और खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। कोई समस्या कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। देखिए दो चीजों को जान लीजिए, रिजल्ट वर्तमान में गोचर में ग्रहों की स्थिति और आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर मिलता है।
तो अगर जन्म कुंडली नींव है तो ये ऊपर की दीवार है, नींव मजबूत नहीं होगी दीवार भी ढह जाएगी। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो दोनों के बैलेंस के लिए अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। तो पहले अपनी जन्म कुंडली में जो पैदा हुए थे जो ग्रहों को लेकर उनको सुधारिए, फिर छोटे छोटे उपाय और से वर्तमान समय को सुधारिए, ठीक है ना भाई। नींव एक ही बार बनती है, घर आपने भी बनाया होगा देखा होगा, नींव एक बार डल जाती है, फिर एक मंजिल बना, दो मंजिल बना, तीन मंजिल बना, चार मंजिल बना, फिर ऐसे जिंदगी अच्छी चलती रहती। नींव कमजोर तो सबका सब ढह जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, आपको कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।